नमस्कार, 5 बज चुके हैं, आप देख रहे हैं सुलगते सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। गोरखपुर की तस्वीरें, पिपराइच इलाके के मिश्रौली टोले का 14 साल का बलराम गुप्ता रविवार को अचानक घर से लापता हो गया। इसके बाद एक अनजान व्यक्ति ने फोन पर बलराम गुप्ता के पिता से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। बलराम के पिता पान की दुकान चलाते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए क्राइम ब्रांच और एसटीएफ को लगाया गया है, लेकिन इसी बीच सोमवार को अपराधियों ने पहचान उजागर होने और पकड़े जाने के डर से बच्चे की हत्या कर उसका शव नहर में फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 फर्जी सिम बेचने के आरोपी हैं। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने बच्चे के शव को बरामद किया है। इस मामले में 2 लोगों की अब भी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक ये लोग पिछले 10 दिनों से फिरौती के लिए अपहरण की प्लानिंग कर रहे थे। अच्छा बंधन आने वाला है, क्या तैयारी की थी बेटा आप? हम अपने भाई के लिए ओम खरीद के लाए थे, बोले तो पहन लो, कारण नहीं रच बंधन पे पहनाना, हम नहाने जाएंगे तो गिर जाएगा, और कपड़ा वपड़ा सब कुछ खरीद के ला दिए थे। रच बंधन पे मेरा भाई पहनेगा और हम लोग हम लोग के पास तब कोई चारा नहीं था। हम लोग तो एक नॉर्मली परिवार में जेल रहे थे। हम लोग को कोई पता नहीं था हम लोग क्या करें क्या नहीं। किसी से सलाह लिए, किसी का हाथ गोड़ जोड़े, तो एक बच्चा मेरे बगल का है तो उसने बेचारा 112 पर फोन किया तो प्रशासन आई, तो क्राइम ब्रांच वाले जाने वो भी आए। हम लोग प्रशासन तो आ रही है, लेकिन आज तक इस समय 24 घंटा हो गया, मेरा बच्चा का कोई पता नहीं है कहाँ रखे हैं, सब क्या कर रहे हैं। जंगल छत्रधारी के जिस युवक का अपहरण करने के बाद हत्या कर दी गई, उस मृतक युवक के पिता हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि क्या मकसद था उन लोगों का और क्यों हत्या कर दी गई। सर, जब आपके लड़के का अपहरण हुआ तो किस तरीके से जानकारी हुई आपको? जैसे अपने उत्तर प्रदेश में शनिवार और संडे लॉकडाउन है, हमारा आगे चौराहे पर दुकान है, 2 दिन तो बंद ही था। संडे का दिन था, हम अपने घर पे ही थे, माता पिता हमारे उसी जगह परमानेंट रहते हैं, सुबह में खाना खाने आते हैं, शाम को हम लोग वहाँ पहुँचा देते हैं। लड़का हमारा उन्हीं के पास रहता था, शाम को खाना लेकर जाता था, वो माता पिता के पास सोता भी था। उसके बाद हम घर ही पे रह गए, बंदी का दिन था, कहीं जाने का माहौल भी नहीं था, तो हम घर पे सोए थे। उस समय आए, खाना वाना खा करके हम लड़के को अपने 10 बजे वो आया घर पे, रोटी सब्जी दाल खाया, खा करके वो चला गया। उसी समय मैं उसको देखा, फिर हम भी भोजन किए, घर में अपने आराम किए। आराम करने के बाद वो लोग, जहाँ तक जानकारी है कि 12 बजे के आसपास उसको उठा लिए, 12:30 और 1 के बीच में हमारे पास फ़ोन किए वो लोग फिरौती के चक्कर में, लेकिन हम काल को उठा नहीं पाए, हम सोए थे, हमको पता ही नहीं चला। तो 3 पुलिस कर्मियों को निलंबित जरूर किया गया है, लेकिन इधर बच्चे की हत्या के 36 घंटे बाद गोरखपुर के डीएम और एसएसपी
उनके घर पहुंचे और परिवार से मुलाकात की। डीएम विजेंद्र पांडियन ने भरोसा दिलाया कि हत्या के आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने हत्या की न्यायिक जांच के भी आदेश दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगा रहे हैं, रासू का भी लगा रहे हैं, उसे एनएसए लगा रहे हैं, ताकि ये गंभीर अपराध श्रेणी में आता है। एक तरफ एक दूसरे चेन बना हुआ है, ये इसी टाइप का हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखिए, जान को तो हम वापस नहीं ले सकते, बट इनका आर्थिक स्थिति देखते हुए उनने 5 लाख रुपया दिए हैं, उसका हम लोग दिए, बट ये केवल मतलब वो नहीं है, उसका जीवन का बदलाव नहीं है। हम उसका वो परिवार के एक तरफ गोद लेंगे, हम इनका परिवार को जो भी ज़रूरतमंद है वो हम लोग जिला प्रशासन की ओर से करेंगे, और हम जल्दी से जल्दी सजा दिला देंगे। कोई भी दोषी है उस पर किसी को नहीं बख्शाया जाएगा। और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बच्चे के अपहरण के बाद हत्या के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए अपराधियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने परिवार के प्रति दुख जताते हुए पीड़ित परिवार को तुरंत 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया और अपराधियों के खिलाफ सुनवाई फास्ट ट्रैक में करवाने को कहा है। गोरखपुर में अपहरण के बाद फिरौती के लिए 14 साल के लड़के की हत्या के मामले में यूपी सरकार ने कार्रवाई की है। वहां लापरवाही बरतने के मामले में एक सब इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही पुलिस की जवाबदेही तय करने की बात कही थी और इस मामले में सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए थे। इस बीच गोरखपुर में हुए इस हत्याकांड पर पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए यूपी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, गोरखपुर से अपहृत बच्चे की हत्या का समाचार बेहद दर्दनाक और दुखद है। शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदना। लगातार अपहरण और हत्याओं के बावजूद भी बीजेपी सरकार का निर्लज्ज मौन और निष्क्रियता प्रश्न चिन्ह के घेरे में है। और गाजियाबाद में एक बिल्डर 1 महीने से ज्यादा वक्त से लापता है। गाजियाबाद के सिहानी गेट के रहने वाले बिल्डर विक्रम त्यागी पिछले महीने की 26 तारीख से लापता है। खबर है कि पुलिस ने जब उनकी तलाश शुरू की तो एक दिन बाद यानी 27 जून को उनकी कार मुजफ्फरनगर से बरामद हुई। पुलिस को कार में खून के निशान भी मिले हैं। इसके बाद बिल्डर विक्रम त्यागी की तलाश में एसटीएफ की 2 टीमें लगाई गई हैं, लेकिन 1 महीने से ज्यादा का वक्त होने के बाद भी उनका कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने विक्रम का पता बताने वाले को 50,000 रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया। 1 महीने बाद भी विक्रम का पता नहीं लगा तो उनके परिवार ने धरना देना शुरू कर दिया। परिवार के मुताबिक उन्हें फिरौती के लिए कभी कोई फोन नहीं आया। बिल्डर विक्रम त्यागी को लापता हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ में अभी कोई सुराग नहीं आया। इस वक्त मैं ठीक उसी सोसाइटी के बाहर मौजूद हूं जहां पर विक्रम त्यागी रहते थे, और यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफी लोग हैं यहां जो कि यहां सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने इस पूरे मामले में लापरवाही बरती है और उसके बाद से 1 महीने से ज्यादा हो गया, तकरीबन 32 दिन आज होने जा रहा है, आज हो गया है, और इस बीच अभी तक कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगी है कि विक्रम त्यागी कहां पर हैं। हालांकि जो गाड़ी थी उनकी गाड़ी एक दिन बाद ही मुजफ्फरनगर से बरामद कर ली गई थी, और यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि विक्रम त्यागी का पोस्टर है, उनके परिजन यहां पर मौजूद है, साथ में उनके जो साथी है, आसपास के जो लोग हैं वो यहां पर मौजूद है, सीधे हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, विक्रम त्यागी जी क्या लगते थे आपको? विक्रम मेरा भतीजा है, लगते थे नहीं लगते हैं, मेरा भतीजा है विक्रम, अभी सहकुशल है। ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि वो सहकुशल हमारे बीच जल्द वापस आए, जल्द वापस आए। सर, आपका क्या कहना है? विक्रम त्यागी जी को आज 1 महीना 2 दिन हो गए पुलिस प्रशासन के लिए दबाव बना रहे हैं हम लोग, पुलिस प्रशासन अपने तरीके से लगा, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, 0 रिजल्ट है। आज 32 दिन में भी हम जहां 32 दिन पहले थे आज भी वहीं खड़े हुए हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। और गाजियाबाद में जेडीयू नेता केसी त्यागी ने बिल्डर के धरना दे रहे परिवार से जाकर मुलाकात की और उम्मीद जताई कि लखनऊ तक बिल्डर के लापता होने का मामला जल्द ही पहुंचेगा। यहाँ पर आप तस्वीरों में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार मुलाकात कर रहे हैं केसी त्यागी। सर, 32 दिन हो गए हैं और अभी तक जो है विक्रम त्यागी नहीं मिला है। हालांकि जहाँ भी इस वक्त हम लोग स्पॉट पे मौजूद हैं, यहाँ से केवल 150 किलोमीटर के दायरे में एक दिन के अंदर जो विक्रम त्यागी की जो गाड़ी थी वो मिली, खून के धब्बे थे उसमें। पिछले दिनों में जो गाजियाबाद में दोनों घटनाएं हुई हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पहले एक यहाँ के स्थानीय पत्रकार
जोशी जी की भी हत्या हुई, जिसको लेकर के यहाँ से लखनऊ तक चिंता व्यक्त की गई। हत्यारे पकड़े गए और उनको सजा दिलाई जाएगी, ऐसा मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है। विक्रम त्यागी को लेकर शासन प्रशासन में आपकी किसी से बात हुई है सर? हमारी लखनऊ में भी, मेरठ भी, गाजियाबाद भी कई हाई अप से बातचीत हुई है। उन्होंने एसटीएफ को ये जांच सौंपी है, जो अपनी काबिलियत के लिए और खोज के लिए जानी जाती है। हमें उम्मीद है कि वो जल्दी इसका कुछ रास्ता निकालने में कामयाब होगी। और गाजियाबाद के कबीनगर थाना इलाके के चिरंजीव विहार इलाके में घर में घुसे बदमाशों ने एक परिवार के 9 लोगों को बंधक बनाकर लूटपाट की है। लूटपाट के दौरान बदमाशों ने घर वालों के साथ मारपीट भी की। परिवार का आरोप है कि बदमाशों ने महिलाओं के साथ बदसलूकी की और बच्चों को पिस्तौल के बट से मारा। इस घटना में परिवार के 3 लोग घायल हुए हैं। परिवार के मुताबिक बदमाश घर से 1,00,000 रुपए और 8,00,000 के गहने लेकर फरार हुए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजियाबाद के चिरंजीवी विहार में, और ये वही घर है जिस घर में बीती रात लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। आप देख सकते हैं चिरंजीवी विहार सेक्टर 8G14, ये वही घर है जहां पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। ये मेन एंट्रेंस है और हम इस घर के अंदर जाएंगे और आपको एक एक बात दिखाएंगे कि किस तरीके से बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बीती रात तकरीबन 2:30 बजे के आसपास बदमाश यहां पहुंचे हैं और एक एक घर का जो सामान है उसे उन्होंने चेक किया है। बताया जा रहा है कि रात 2:30 बजे से 4 बजे तक बदमाश यहां पर थे। घर के जो 9 से 10 मेंबर थे सबको बंधक बना लिया। आप देखिए किस तरीके से बैठे, एक एक फोटोग्राफ्स हटाए गए हैं बदमाशों के द्वारा, फोटोग्राफ्स को चेक किए गए हैं। यही नहीं, आप इस बेड को देखिए, बेड को इन लोगों ने फाड़ा है चाकू से, ऐसा बताया जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पर इस देखा है बदमाशों ने, और भी यहाँ पर देखिए घर का जितना भी सामान है वो अस्त व्यस्त यहाँ पर पड़ा हुआ है। 2:30 बजे से लेके बताया जा रहा है कि सुबह 4 बजे तक बदमाश यहाँ पर थे, और एक एक सामान यहाँ पर आप देखिए घर के जितने भी सामान हैं, जो कपड़े, रजाई, वो सब निकाल दिया बदमाशों ने यहाँ पर। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बताया ये जा रहा है कि 4 बजे के बाद जैसे बदमाश यहाँ से गए, उसके बाद जो घर के 9 से 10 सदस्य थे जिन्हें बंधक बनाया गया था, बाथरूम के अंदर बंधक बनाया गया था, यहाँ पर हाथ पैर बांध कर यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी बाथरूम के अंदर घर के सभी सदस्यों को बंधक बनाया गया था। ये वो बाथरूम है जहाँ पर बंधक बनाया गया था, और जैसे ही बदमाश यहाँ से निकले हैं उसके बाद इस फैमिली जो परिवार के सदस्य थे उन्होंने पुलिस को 112 हेल्पलाइन नंबर पर कई बार फोन किया लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। उसके बाद परिवार के सदस्य पुलिस चौकी में गए और उसके बाद पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी मिली, वारदात की जानकारी मिली। मेरे साथ एक लड़की यहाँ पर मौजूद है जो जिसे बदमाशों ने बंधक बनाया था। सीधे इनसे बात करते हैं, कितने लोग आप लोग थे उस वक्त घर में? 10 जन थे हम लोग। आप लोग 10 लोग थे, सभी लोगों को बंधक बना लिया था? हाँ जी, सबको उन्होंने बांध के बाथरूम में बंद कर दिया था। बस एक बाबा को बाहर छोड़ा था, उन्हें बेड पे बांध दिया था, हाथ पैर बांध दिए थे और मुंह बांध दिया था उनका। कैसे आए थे, कितना बज रहा था उस वक्त रात में, कैसे आए थे वो लोग? 2:30 का टाइम था, वो 2:30 का था, किचन से एंटर करे थे, वो किचन की विंडो तोड़ के वहां से घुसे थे। आके क्या कहा उन लोगों ने आपको? आके उन्होंने बोला था कि हम कोरोना टेस्ट के लिए आए हैं, तो शांत बैठ जाओ, कुछ बोलो मत वरना मार देंगे। और वो गन्स दिखा रहे थे अपनी और चाकू वगैरह दिखा रहे थे। और फिर बाद में उन्होंने उसी गन से आपको मारा भी, आपके फैमिली मेंबर्स को? हाँ, दीदी को मारा था यहाँ पे और बाबा के पैरों में गन मार ली थी। 8,00,000 की ज्वेलरी और 1,00,000 के कैश की जो अभी प्रथम सूचना आ रही है, हालांकि अभी तहरीर दी नहीं है, ये यहाँ से लूटपाट करके ले गए हैं। और साथ ही जो है मारपिटाई का इन्होंने वहाँ पर ये सूचना दी है कि मारपिटाई वहाँ पर की गई है। चोटें जो देखी गई हैं हालांकि गंभीर नहीं हैं, लेकिन मारपिटाई हुई है। इस संबंध में भी जो है यहाँ पर हमारी जो टीमें हैं इनको सबको लगा दिया गया है, और आसपास के सारे जो CCTV फुटेजेस हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। घर के जो CCTV फुटेज हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आसपास के क्षेत्र के हैं उससे हमें उम्मीद है कि साक्ष्य हम लोग प्राप्त कर लेंगे। तो
हाल फिलहाल के दिनों में एक के बाद एक कई उत्तर प्रदेश में अपहरण की घटनाएं हो रही हैं। इधर कानपुर में 16 जून को अगवा किए गए ब्रजेश पाल का शव बरामद हुआ है। ब्रजेश को कानपुर देहात के भोगनीपुर इलाके से अगवा किया गया था। ब्रजेश की हत्या का आरोप उनके ही दोस्त पर लगा है। 16 जून को अगवा हुए ब्रजेश का शव कानपुर के देवराहट इलाके में मिला। और इधर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यूपी की कानून व्यवस्था पर टिप्पणी की है। जस्टिस बोबड़े ने कहा है कि उत्तर प्रदेश का बुरा हाल हो रहा है क्योंकि अपराधियों को जमानत मिल जाती है। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस ए बोबड़े ने आज एक सुनवाई के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश का बुरा हाल इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां बड़े अपराधियों को भी जमानत मिल जाती है। चीफ जस्टिस ने कानपुर के विकास दुबे के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि अगर 64 आपराधिक मामलों वाले को जमानत मिल जाएगी तो अपराध बढ़ने का खतरा तो बना ही रहेगा। और इसी के साथ ही बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने यूपी के कानून व्यवस्था पर योगी सरकार को घेरा और दावा किया कि उत्तर प्रदेश में कानून नहीं बल्कि अपराधियों का राज चल रहा है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कानून का नहीं बल्कि गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अपहरणकर्ताओं, बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटने वालों का राज चल रहा है। डकैतों का राज चल रहा है, चोरों का राज चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में कानून का नहीं बल्कि आपराधिक तत्वों का राज चल रहा है। और इस मामले में तो वहाँ के मुख्यमंत्री के खुद का अपना जिला भी अछूता नहीं रहा है। अभी रिसेंटली कई घटनाएं काफ़ी गंभीर घटी हैं। प्रदेश में अपराधियों का नहीं बल्कि कानून का राज चलना चाहिए। तो इसके लिए इनको बिना कोई शर्म किए हुए तो इसके लिए इनको बीएसपी के शासनकाल से काफी कुछ इस मामले में सबक सीखना होगा। और इधर खुफिया सूत्रों के मुताबिक जैश के मोहम्मद 15 अगस्त को राम जन्मभूमि को निशाना बना सकता है। कुछ दिनों पहले खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक जैश ने अयोध्या पर हमले की पूरी योजना बना ली है। आतंकी मसूद अजहर के तीन दिनों पहले दिए गए बयान को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। मसूद अजहर ने अपने कैडर्स के नाम संदेश जारी कर कहा था कि जिस तरह तुर्की के राष्ट्रपति एर्डोगन ने हागिया सोफिया म्यूजियम को मस्जिद में तब्दील कर दिया, उसी तरह बाबरी मस्जिद का वक्त भी आएगा। काफी वक्त से राम जन्मभूमि जैश के निशाने पर रहा है। 2018 में भी जैश सरगना मसूद अजहर ने एक वीडियो मैसेज जारी कर हमले की धमकी दी थी और बाबरी मस्जिद को वापस मुसलमानों को सौंपने की बात की थी। और इस बीच सुशांत आत्महत्या मामले में अब बिहार पुलिस की भी एंट्री हो गई है और जांच के लिए पटना के से जो जानकारी आ रही है कि पटना से 4 पुलिस वाले मुंबई पहुंच गए हैं। तो एक बार फिर से आपको ये अहम जानकारी सुशांत आत्महत्या केस में बता दें, दरअसल अब बिहार पुलिस की भी इस मामले में एंट्री हुई है और जांच के लिए पटना से 4 पुलिस वाले मुंबई पहुंचे हैं और जो इन्वेस्टिगेशन का दायरा है वो उनसे भी अब जोड़कर देखा जा रहा है। इस पूरे मामले में लगातार जो कोशिशें हैं वो सच सामने लाने की कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की। इधर जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने पाकिस्तान की ओर से आए 2 बम को डिफ्यूज किया है। बताया गया है कि दोनों बम पाकिस्तान की ओर से फेंके गए थे जिन्हें सेना ने डिफ्यूज किया, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। पाकिस्तान से आए दिन सीजफायर का उल्लंघन कर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, आवाजें भी गोलियों की सुन सकते हैं, डिफ्यूज करने की जो तरीके हैं उनकी आवाज भी सुन सकते हैं, वो बम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के पुंछ में। सेना के पाकिस्तान की ओर से आए दिन लगातार जो सीज फायर के उल्लंघन की तस्वीरें हो रही हैं, इस बीच वहां पाकिस्तान से आए 2 बमों को डिफ्यूज किया गया है और जानकारी है कि दोनों बम पाकिस्तान की ओर से फेंके गए थे जिन्हें सेना ने डिफ्यूज किया है, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। और कोरोना काल में इनकम टैक्स रिफंड में आई तेजी पर पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने खुशी जताई है और इनकम टैक्स विभाग के साथ वित्त मंत्रालय को भी बधाई दी। विजय शेखर शर्मा ने अपने टैक्स रिफंड से जुड़ी रसीद भी सोशल मीडिया पर साझा की। रसीद में रिफंड की रकम के आंकड़े भी दिखाई दे रहे थे, जिनके मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने विजय शेखर शर्मा को करीब 27 करोड़ रुपए की रकम रिफंड में लौटाई है। हालांकि बाद में विजय शेखर ने रसीद में दिख रही रकम को भी सफाई दी है। उन्हें इस अपनी कंपनी की पारदर्शिता के तौर पर, ये उदाहरण के तौर पर वो बता रहे हैं।
और इससे पहले विजय शेखर शर्मा ने अपने इनकम टैक्स रिफंड की एक तस्वीर शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा, टैक्स रिफंड के मामले में हमारा देश बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। लगातार किए जा रहे टैक्स सुधारों के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और वित्त मंत्रालय को बधाई।